नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज, आपकी आवाज। आइए हम आपको ले चलते हैं नगर पंचायत सहानपुर। जी हां, आज नगर पंचायत सहानपुर में कोविड-19 की वैक्सीनेशन का कार्य हुआ प्रारंभ। हम आपको बता दें कि अगर नगर पंचायत सहानपुर में कोविड-19 का टीका हुआ, जिसमें लगभग 138 लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। यह कोविड-19 के टीके मुफ्त में लगाए जा रहे हैं, जो कि अर्ध सरकारी या ठेके पर कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, उन्हीं को टीका लगाया जा रहा है। नगर पंचायत सहानपुर से सभी कर्मचारियों की लिस्ट बनाई गई, जिसके बाद यह टीकाकरण हुआ। कुमार निकुंज BHW है, उन्होंने हमें बताया कि ये वैक्सीनेशन नगर पंचायत सहानपुर के कर्मचारियों के लिए टीकाकरण है, बाहरी व्यक्तियों के लिए अभी नहीं है और सभी को मुफ्त में सरकार टीकाकरण करा रही है। सहानपुर से नईम ताई कमांडो की रिपोर्ट। धन्यवाद। सर, आधा घंटा वेट करके जाना है अभी। वैक्सीनेशन कराते हुए पुलिस विभाग के कर्मचारी, ये देखिए वैक्सीनेशन मोड में बैठे हुए सभी पुलिस कर्मचारी। ये हो गया, ये वाला जितेंद्र का, इनका नाम है बाबूराम गौतम। मास्क का यूज उतारना पड़ेगा। सर, अपना नाम बता दीजिए और किस कार्य पर आप कार्यरत हैं? मैं डॉक्टर सुशील कुमार, मेडिकल ऑफिसर, गाजियाबाद से। सर, जो ये वैक्सीनेशन चल रहा है आज नगर पंचायत सहानपुर में, यहाँ पर जो नगर पंचायत सहानपुर कितने कर्मचारियों को आज वैक्सीनेशन हुआ है? यहाँ पे हमारे पास जो है 138 टारगेट है, जिसमें जो हमारा डिपार्टमेंट लिया गया नगर पालिका से और जो हमारे स्वास्थ्य सुरक्षा कर्मी है उन विभाग से दिया गया है। ये जो सर सुरक्षा कर्मी जो आए हैं, ये किस थाने से हैं? ये मडावली थाने से है और संबंधित जो नगर पंचायत हमारी सहानपुर है उनसे लाभार्थी आए हैं। तो इसमें सर कुछ पैसा लिया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए या सरकार की ओर से क्या है? सरकार की ओर से निःशुल्क है, दो डोज में दिया जाएगा। ये हमारा फर्स्ट फेज का जो है, ये इनको फर्स्ट डोज लगाई गई है, इनकी सेकेंड डोज जो है 15 मार्च में दी जाएगी। धन्यवाद सर। अपना नाम बता दीजिए और आप कौन से थाने से हैं सर आप? मैं SO मंडावली जनपद बिजनौर से हिमांशु चौहान के नाम है। आज हम लोगों का कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन के लिए हम लोग थानों का चुनाव हुआ था, जिसमें थाना मंडावली के समस्त स्टाफ द्वारा आज वैक्सीनेशन कराई जा रही है। और वैक्सीन कराने के बाद हम लोग यहाँ आधा घंटा भी बैठे हैं प्रिकॉशनरी, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं महसूस हो रही है और उम्मीद करते हैं कि वैक्सीनेशन का रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। Thank you.